ग्रैनी खेलते हो और ग्रैनी के ये सारे टिप्स एंड ट्रिक आपको नहीं पता, तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे धातु ट्रिक बताऊंगा जिसको करके आप लोग अपने दोस्तों के सामने सिर्फ कूल नहीं सुपर कूल दिखोगे भाई। बट अभी ना, इससे पहले कि मैं ये सारे टिप्स एंड ट्रिक बताना शुरू करूं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो रे पापा। अरे हाँ, कर दो भाई। और पता नहीं इस वीडियो के बाद क्या आने वाला है। तो इस वाले वीडियो पे हम लोग 20,000 का लाइक रखते हैं। आई होप कि मेडिटेशन फैमिली करवा देगी। तो हेलो डिटेन फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि गाइस आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो अभी ये लो गाइस, तो हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं ग्रैनी का बैंड बजाने। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा ही जबरदस्त होने वाली है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ग्रैनी गेम के ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, और अगर आप लोग इस वीडियो को जरा भी स्किप करोगे ना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा रे बाबा। अरे हाँ हाँ भाई, तो चलो यार हम लोग बढ़ते अपने पहली वाली ट्रिक की ओर। तो ये वाली ट्रिक करने के लिए हमें सिंपली इस वाले रूम के बाहर आना है, और अभी यहाँ पे आके बैठ जाना और ये वाले दोनों बटन को एक साथ दबाना है, और अभी बस हमें बाहर आना है। अभी मैं यहीं पे कैंपिंग करती हूँ। ये देखो, ये देख ले भाई, ग्रैनी कितना तेज हो रही है। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे जुड़ा, आखिर फंस गए तुम मेरे शरीर में। हाँ, कुछ मेरे हाथों से बचकर कहीं नहीं भाग पाएगा। ओहो, ये देखो बुढ़िया ने मेरे ऊपर स्नान कर दिया है। हाँ, कुछ मैं इस लड़का से बात ही नहीं करूंगी। देवा रे देवा, देवा देवा, ये बुढ़िया तो मेरे से गुस्सा हो गई भाई। यार ये ग्रैनी को गोल गोल घुमाने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो कोई नहीं गाइस, अभी मैं साइड से निकल लेगा रे बाबा। और ये देखो भाई, अभी ग्रैनी को भी नहीं मालूम पड़ा कि मैं यहाँ पर हूँ। अरे बाप रे बाप, पता नहीं ये तो छोड़ो कहाँ पे गायब हो गया। अरे हद है भाई, ये ग्रैनी तो मेरे को अभी भी वहीं पे ढूंढ रही है। अरे ये शोर तो बाहर से हो रही है। ग्रैनी ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो अगला वाला ट्रिक होने वाला वो तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो रे बाबा। ये ले दे तू बिटवा। अरे मैंने तो लाइक कर दिया और बाकी का अपनी इसलिए कर दो करवा देगी। तो चलो यार, अभी बढ़ते अपने सेकंड ट्रिक की ओर। अरे जल्दी से ट्रिक बता दे बिटवा, मेरे को तो रहा नहीं गया। अरे हाँ हाँ ग्रैनी, बता रहा हूँ। अरे रुको, जरा सबर करो। तो ये वाला ट्रिक करने के लिए हमें सिंपली कुछ भी नहीं चाहिए होगा। तो अब भी ना गाइस, ये वाला ट्रिक करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे आना है। तो दोस्तों, ये वाला ट्रिक करने के लिए हमें इस वाले बॉक्स के पास आकर बैठ जाना है, और ऊपर के ये दोनों बटन को एक साथ दबाना है। और अभी ये लो भाई, तो अभी ना हमारा कैरेक्टर बैठा हुआ है, बट यहाँ पे ना हम लोग खड़े शो कर रहे हैं। इसका मतलब कि अभी हमारा ट्रिक प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ठीक है यार, अभी ना ये ट्रिक को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पे आना है, और फिर कह रहे बाबा यहाँ से जंप जाना रे बाबा। ओके गाइस, तो अभी सब लोग जादू देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो अभी 1, 2 और 3। और ये देखो गाइस, हम लोग ना इधर से ही पता कर सकते हैं कि आखिरकार उस बॉक्स में क्या पड़ा है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे तो प्ले हाउस की पड़ी हुई है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो उस वाले बॉक्स में स्पाइडर की पड़ी हुई है भाई। लेकिन अभी ये तो मेन ट्रिक है ही नहीं गाइस, क्योंकि अभी पिक्चर अभी बाकी है रे बाबा। तो सिर्फ यहाँ पे जॉयस्टिक को खींच के रखना और इस वाले बटन को दबा देना है। और ये लो भाई, अभी हम लोग यहाँ पे बिना स्पाइडर की और बुक केस के अंदर आ चुके हैं। और हाँ भाई, अभी ना यहाँ पे एंजेलिना भी हमें परेशान नहीं करेगी। तो जल्दी से अभी इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है गाइस। तो ठीक है यार, ये वाला ट्रिक तो अगला ट्रिक के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट ट्रिक होने वाला है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो चलो यार, हम लोग बढ़ते अपना नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो ये वाली ट्रिक करने के लिए गाइस हमें एक हैमर चाहिए होगा, एंड अभी ना गाइस हमें यहाँ पे इस वाले रूम पे आ जाना है, एंड अभी हमें बस ये वाले बेड के सामने आकर बैठ जाना है, और ये वाले दोनों बटन को गाइस एक साथ दबाना है। और ये लो दोस्तों, तो इससे हमारी पावर एक्टिव हो चुकी है। बट अभी ना आप लोगों को ये ट्रिक करने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। तो अभी ना मैं इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, तो थोड़ी सी यहाँ पे शोर कर लेंगे ताकि ग्रैनी यहाँ पे आ जाए। और अभी ना इससे पहले कि यहाँ पे ग्रैनी आ जाए, तो अभी जल्दी से इन वाले सीढ़ियों के पास आ जाओ, एंड अभी हमें सरक सरक के ऐसे ही इसके अंदर चले आना है। और हाँ गाइस, अभी ना हमारा ट्रिक एक्टिव नहीं है, तो इसको एक्टिव करने के लिए हमें यहाँ से सिंपली जंप करना है। और ये लो रे बाबा, तो अभी हमारा ट्रिक एक्टिव हो गया रे बाबा। तो ये लो गाइस, अभी हम लोग ये ट्रिक को करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। और हाँ भाई, इस ट्रिक को करने के लिए हमें प्लैंक चाहिए होगा, और कुछ नहीं रे बाबा, भी प्लैंक को लेकर यहाँ पे आना है। और हाँ, ये वाले लोकेशन को अच्छे से देख लो गाइस, क्योंकि ये वाले ट्रिक यहीं पे वर्क करेगी रे
बाबा। और ये क्या भाई, इसको यहाँ पे लगाना है भाई, नीचे पे थोड़ी ना। तो ये लो गाइस, तो भी हमारा प्लैंक लग चुका है। एंड अभी ना रे बाबा, मैं थोड़ी सी यहाँ पे और शोर कर लेता हूँ, ताकि ना ये शोर से ग्रैनी यहाँ पे आ जाए, और फिर क्या बिड़ो लो, फिर आएगी स्ट्रीक की असली मजा। और ये देखो गाइस, स्ट्रीक को करने से गाइस हम लोग घर के आर पार देख सकते हैं। और पता नहीं आवाजें कहाँ से आ रही है, ये ट्रिक को करने के बाद तो जैसे बड़े तू तो खुद भी गायब हो गया। ये देखो भाई, इसको लग रहा है कि मैं गायब हो गया हूँ। अभी ना मैं ग्रैनी को यहीं से मार सकता हूँ, बट उससे पहले हम लोग ग्रैनी के साथ प्रैंक करेंगे रे बाबा। तो अभी ना यहाँ पे हमें इस वाले जॉयस्टिक को खींच के रखना और इस वाले बटन को दबा देना है। और अभी ये लो भाई, तो फाइनली अभी हम लोग इस वाले दीवार के आर पार आ चुके हैं। लेकिन गाइस अभी हमें दीवार के आर पार ही नहीं रहना है, तो जल्दी से अभी इसके अंदर चलते ना रे बाबा। और ये लो गाइस, तो अभी हम लोग इसके बिना कुंडी हटाए इसके अंदर आ चुके हैं बाबा। कुंडी में छिड़का और राजा सीधा अंदर आओ राजा। ये देखो भाई, ग्रैनी के अंदर आना चाह रही है। दरवाजा खोला, कुछ तो बोला। अरे भाई मेरे को तो डर भी लग रहा है गाइस, कहीं ग्रैनी अपना टिप एंड ट्रिक लगा कर इसके अंदर ना आ जाए रे पापा। अरे बाबा, तो ठीक है यार, क्यों ना अभी ग्रैनी को जमा दिया जाए। तो इसलिए सोलो फ्री स्ट्रिप को हम लोग बाहर के ड्रॉप करेंगे। और भाई अभी जैसे ही ग्रैनी उधर की ओर जाएगी, बुढ़िया की तो कुल्फी बनने वाली है। मेरे को जमाना चाहते। अरे नहीं यार, ये ग्रैनी तो बच गई। तो कोई नहीं गाइस, अभी ना हम लोग शॉटगन दौड़ा देंगे। अरे अरे बाप रे बाप, ए भाग रे, कीजिए से बड़ा पास तो शॉटगन है। अरे बुढ़िया जल्दी से बाहर आ जा, देख मैं ना भी वापस आ रही हूं, तो टाइम से बाहर आ गई हूं। ओके भाई, तो ग्रैनी तो डर के मारे यहां से चली गई। तो यही सही वक्त है गाइस, अभी हम लोग निकलते हैं यहां से ऊपर की साइड। हो चुका है क्या कि शॉटगन तो ग्रैनी के जरिए से। अरे ग्रैनी नहीं। ओके गाइस, तो कोई नहीं, अभी हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो ये ट्रिक करने के लिए हमें यहाँ पे आना है। एंड हाँ गाइस, अभी ना हम लोग को ये वाले बॉक्स के पास आकर बैठ जाना है, और ये दोनों वाला बटन गाइस एक साथ दबाना है। और अभी हाँ मेरे दोस्तों, ये पिक्चर तो बाकी है, क्योंकि ये वाला ट्रिक देखकर आप लोग पक्का हक्के बक्की रह जाओगे। तो अभी बस हमें सिंपली यहाँ पे आना है, एंड इस वाले जॉयस्टिक को खींच के रखना और ये वाला बटन को दबा देना है गाइस। और ये लो भाई, तो अभी हम लोग एक और न्यू प्लेस में आ चुके हैं। और हाँ, अभी ना आप लोग यहाँ पे वीडियो को स्किप करने का बिल्कुल ही मत सोचना, वरना ये ट्रिक फेल हो जाएगा रे बाबा। ओके गाइस, तो यहाँ पे ना अभी हमें सिंपली बैठ जाना है, और बस ऐसा ही रेंगते रेंगते भाई हमें यहाँ से चलते जाना है। और ये देखो भाई, अभी ना यहाँ पे दो दो रास्ता है, बट अभी ना मैं आप लोग को स्पाइडर वाले एरिया पे लेके जाने वाला हूँ, वो भी भाई बिना स्पाइडर की का। तो फाइनली भाई हम लोग बिना स्पेशल की के इसके अंदर आ चुके हैं। एंड चलो यार, अभी देखते हैं यहाँ पे हमारा स्पाइडर क्या कर रहा है। मेरा प्यारा मकड़ी ककड़ी, आजा। एंड अभी यहाँ पे मैं बैठ जाना है, जिससे ना स्पाइडर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। एंड अभी ना हम लोग यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं भाई। तो ठीक है यार, आज के लिए ना इतना टिप्स एंड ट्रिक काफी होगा। और हाँ, आप लोगों को ये सारे टिप्स एंड ट्रिक कैसे लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। फिलहाल के लिए टाटा बाय, सी यू सायोनारा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टाटा, गुड बाय गया। Bye-bye, Tata.